कोरोना वायरस के बाद अब तो ऐसा लगता है कि दुनिया में कुछ भी हो सकता है, फिर हम ज़ॉम्बीज की कहानियों को कैसे भूल सकते हैं? तो रेडी हो जाइए, क्योंकि आज मैं आपको ज़ॉम्बीज की कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग बातें बताने वाला हूँ जिन्हें सुनकर आप हैरान होने वाले हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो को। पहले समझ लेते हैं कि ज़ॉम्बीज आखिर होते क्या है। ज़ॉम्बीज की डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है, एक ऐसा मरा हुआ शरीर जिसमें फिर से जान आ जाती है। तो पहला रियल फैक्ट ये निकल के आता है कि आपने ज़ॉम्बीज की साइंस फिक्शन मूवी में ये बहुत बार देखा होगा कि शहर में हर तरफ ज़ॉम्बीज घूमते दिखाई देते हैं और जो कुछ इंसान बचे होते हैं वो अपने घर में बंद अपनी जान बचा रहे होते हैं। कुछ ऐसा ही नजारा हम कोरोना वायरस की पीरियड में देख चुके हैं। सभी लोग लॉकडाउन के चलते अपने अपने घरों में बंद थे और कोरोना वायरस पूरी दुनिया में अकेला घूम रहा था। कोरोना वायरस के पहले ही हमारे साइंटिस्ट ने एक स्टेटमेंट जारी किया था। वो स्टेटमेंट यह था कि ह्यूमन ज़ॉम्बीज का आउटब्रेक इम्पॉसिबल नहीं है। कोरोना वायरस से पहले हम इस स्टेटमेंट को मजाक में ले सकते थे, लेकिन कोरोना वायरस के बाद अब इस स्टेटमेंट को मजाक में लेना एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। जैसे हमारे इंडिया के हर कोने में भूतों की कहानियां मशहूर होती है, वैसे ही वर्ल्ड के कुछ ऐसे हिस्सों में ज़ॉम्बीज की कहानियां बहुत ही मशहूर है। उन्हीं कहानियों में से एक है क्लेरवियस नॉर्सिस। इनकी ज़ॉम्बीज को लेकर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और रियल कहानी है। क्लेरवियस को तबियत खराब होने की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं होता क्योंकि एक दो दिनों में ही क्लेरवियस की मौत हो जाती है। मौत के बाद उन्हें अंतिम विधि के साथ कब्र में दफनाया जाता है। यहाँ तक तो सब ठीक चल रहा था, फिर 18 साल बाद एक आदमी सामने आता है और वो ये दावा करता है कि वो क्लेरवियस नॉर्सिस है। किसी को इस बात का यकीन नहीं हो रहा था कि वही क्लेरवियस नॉर्सिस है, लेकिन जब उस इंसान ने कुछ ऐसी बातें बताई जो सिर्फ क्लेरवियस को पता थी, तब उन सबको यकीन हो गया कि यही क्लेरवियस नॉर्सिस है। लेकिन बड़ा सवाल यह था कि एक मरा हुआ आदमी फिर से जिंदा कैसे हो सकता है। तब क्लेरवियस ने जवाब देते हुए कहा, मौत के समय उनकी बॉडी पैरालाइज्ड हो गई थी, जिससे कि डॉक्टर को लगा कि उनकी मौत हो गई है। दफन विधि के बाद एक आदमी उनके कब्र के पास आता है और वो उन्हें कब्र से बाहर निकाल के एक दवाई पिलाता है, जिससे कि क्लेरवियस का दिमाग अपने वश में नहीं रह जाता। और जिसने भी क्लेरवियस को ये दवा पिलाई थी, उसने क्लेरवियस के माइंड को अपने वश में कर लिया था ताकि वो क्लेरवियस से अपने काम करवा सके। क्लेरवियस को हमेशा वश में रखने के लिए वो आदमी क्लेरवियस को हमेशा ड्रग जैसी चीज दे के अपने वश में रखता था। पूरे 18 साल तक उस आदमी ने क्लेरवियस को नशे में रखा और उनसे काम करवाता रहा। 18 साल के बाद उस आदमी की मौत हो जाती है, फिर जाके क्लेरवियस उस आदमी के चंगुल से छूट पाते हैं। अब इस स्टोरी पे ध्यान देने वाली बात यह है कि क्या ऐसी भी कोई दवाई होती है जिसे पीने से आदमी मौत के बाद भी ज़ॉम्बी की तरह काम कर सकता है। तो इस सवाल का आंसर हमें हमारे इंडिया से ही मिल सकता है। हमारे इंडिया का आयुर्वेदा का ज्ञान बहुत ही बड़ा था। हमारे पास हर एक बीमारी का इलाज था, हर एक बीमारी के लिए अलग अलग जड़ी बूटियाँ थी। तो हम ये भी मान सकते हैं कि कुछ ऐसी भी जड़ी बूटियाँ हो सकती है जिनसे दिमाग को वश में किया जा सकता हो। सेकेंड फैक्ट काफी दिलचस्प है। यूएस गवर्नमेंट के सेंटर्स फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन CDC द्वारा एक पोस्ट पब्लिश की गई थी, जिसमें उन्होंने ज़ॉम्बी एपोकलिप्स की जानकारी दी है। यूएस गवर्नमेंट भी मानती है कि अभी के हालात देखते हुए इंसानों को आगे आने वाली हर एक महामारी से बचने का तरीका सीखना होगा। इसी के लिए अमेरिका ने द ज़ॉम्बी सर्वाइवल गाइड नाम की एक बुक भी पब्लिश की है, जिसमें उन्होंने ज़ॉम्बी से कैसे बचाव किया जा सकता है इसके उपाय बताए हैं। अगर आप इंटरनेट पे ज़ॉम्बी सर्वाइवल किट डाल के सर्च करते हो तो आपके सामने एक लंबी चौड़ी लिस्ट आ जाएगी, जिसमें आपको ज़ॉम्बी से बचने के काफी सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे। अब तक के एविडेंस देख के आपको शायद लग रहा होगा कोरोना वायरस के बाद क्या आप ज़ॉम्बीज की बारी होगी। तो मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि जो ज़ॉम्बीज हम मूवी में देखते हैं वैसे ज़ॉम्बीज होना लगभग इम्पॉसिबल है, लेकिन कुछ हद तक ज़ॉम्बीज होना पॉसिबल भी है क्योंकि मूवी में सिर्फ एक ही टाइप के ज़ॉम्बीज दिखाए जाते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज के कई टाइप हो सकते हैं। शायद इसलिए साइंटिस्ट भी मानते हैं कि ज़ॉम्बीज का आउटब्रेक हो सकता है। शायद हमें मूवी जैसे ज़ॉम्बीज देखने को ना मिले, लेकिन कुछ हद तक वैसे ही ज़ॉम्बीज हमें आगे देखने को मिल सकते हैं। इंसान तरक्की के नाम पे बहुत सारे ऐसे काम करता है जो हमारे नेचर को बहुत घातक होते हैं। कोरोना वायरस इसी बात का एक सबूत था। अगर अकेला कोरोना वायरस इतनी बड़ी तबाही मचा सकता है, तो अगर इंसान ज़ॉम्बी बनके इंसानों को ही मारने लगे तो क्या होगा। फिलहाल डरने की जरूरत नहीं है, ये सारी बातें अब तक तो हमारी इमेजिनेशन के वर्ल्ड में बंद है, लेकिन कोरोना वायरस से जो हमें सीख मिली है उसे हमें फॉलो करते रहना है। हमें हमारी हेल्थ का पूरा ध्यान रखना है। जाते जाते मैं आपको ज़ॉम्बी से रिलेटेड और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता के जाता हूँ। ज़ॉम्बीज को अक्सर इंसानी दिमाग खाना पसंद होता है, वे हमेशा जिंदा इंसान की तलाश में होते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज कभी भी दूसरे ज़ॉम्बीज का मांस नहीं खाते। तो सोचो अगर पृथ्वी पर हर तरफ ज़ॉम्बीज ही घूमने लगे और ज़ॉम्बीज को खाने के लिए एक भी इंसान न बचे, तो ज़ॉम्बीज क्या खाएंगे।
आपका आंसर कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ।